Assalamualaikum, मैं हूँ शुमाइला एंड वेलकम टू माई चैनल शुमाइलास डायरी। तो आज का टॉपिक है हेयर टॉनिक। अगर आप अपना घर पर हेयर टॉनिक बनाना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सारी चीज़ें आपको किचन से ही मिल जाएंगी, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, टूट रहे हैं, तो ये हेयर टॉनिक आपने सिर्फ एक बार लगाना है। एक बार लगाने से ही आपको डिफरेंस नज़र आएगा। नॉर्मल ऑयल तो आप डेली लगाते हैं ना, क्या उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं ना। तो क्या करना है, आपने उसी नॉर्मल ऑयल में कुछ देसी चीज़ें डाल देनी है। उससे क्या होगा, ऑयल की खासियत जो है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाल 3 से 4 गुना तेज़ी से बढ़ेंगे। बाल जो आपके गिर रहे हैं वो गिरना बंद हो जाएंगे और आप देखेंगे कि सिर्फ 1 हफ्ते में ही बाल तेज़ी से उग रहे हैं, चमकदार होंगे, हेल्दी और सिल्की होंगे। ये ऑयल आपने सिर्फ रात में सोते टाइम लगाना है। और अगर हाँ रात के वक्त नहीं लगा सकते तो नहाने से 2 घंटे भी पहले लगा लें तो आपके लिए काफी है। तो चलिए देखते हैं इस हेयर टॉनिक को कैसे बनाया जाता है। लेट गेट स्टार्टेड। मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को दबाएं और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। सबसे पहले हमने ले लेने हैं मेहंदी के पत्ते। ये आपको पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। मेहंदी जो होती है पाउडर फॉर्म में होती है, लेकिन हमने पाउडर फॉर्म में नहीं लेना। ये मेहंदी के पत्ते हैं, इसे हेना भी कहा जाता है। बालों के लिए ये एक मुकम्मल ट्रीटमेंट है स्कैल्प के पीएच लेवल को, और इसे कहते हैं एल्कलाइन एसिड। इसको रिस्टोर करती है। हेना में कुदरती प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स होती हैं जो एक परफेक्ट इंग्रेडिएंट है ड्राई फ्रिजी डैमेज बालों को सॉफ्ट शाइनी और मजबूत बनाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट है कलौंजी के बीज। ये आपको पंसार की शॉप से मिल जाएंगे, वरना आपके किचन में तो ये ज़रूर मौजूद होंगे क्योंकि किचन का भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इरिटेशन इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करती है, बालों को ज़रूरी न्यूट्रंट्स प्रोवाइड करती है। तो कलौंजी का आमतौर पर हम ऑयल भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं कलौंजी के बीज। अब चाहिए ऑयल। ऑयल जो मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये है जैतून का तेल, यानी कि इसे ऑलिव ऑयल कहते हैं। आप इसमें बादाम का तेल भी इस्तेमाल करते हैं जो आपके लिए टेबल हो, यानी कि कुछ लोगों के लिए कोकोनट ऑयल भी होता है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ जैतून का तेल। हाँ, यहाँ आप सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि उसकी कंसिस्टेंसी जो होती है वो काफ़ी थिक होती है। उसमें जो हम दूसरी चीज़ें डालेंगे उसका अरोमा जो है वो बहुत मुश्किल से निकलता है। ठीक है, तो आपने कोई लाइट सा तेल लेना है, जैतून का या बादाम का, दोनों में से जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। टॉनिक बनाने के लिए आपने लेना है शीशे का जार या शीशे की बॉटल। आपकी बॉटल जो है वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो अब हम इस बॉटल में डाल देंगे 1/2 चम्मच मेहंदी के पत्ते, 1/2 चम्मच कलौंजी, और इस बॉटल को हम फिल कर देंगे जैतून के तेल से। तो यहाँ इसमें ऑयल जा चुका है। ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें मेहंदी के पत्ते हैं वो ठीक से डिप हो जाएं, क्योंकि मेहंदी के पत्ते थोड़े लाइट होते हैं तो वो ऊपर आ जाते हैं। तो हमने इसे अच्छे से डिप कर देना है तेल में। अब इस ऑयल के मिकदार आप ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। इसी हिसाब से आपने मेहंदी और कलंजी के बीज जो है वो इसी मिकदार से आपने बढ़ाते रहने हैं। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा या कम हो जाए तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि देसी चीज़ें हैं। अगर आप मेहंदी के पत्ते 2 से 3 चम्मच ज़्यादा भी डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टॉनिक को हमने क्या करना है, 2 दिन के लिए अंधेरे में रख देना है। 2 दिन के बाद आपका टॉनिक जो है वो तैयार है। 2 दिन के लिए इस टॉनिक को रखना बहुत ज़रूरी था ताकि इसमें जो हमने मेहंदी शामिल की है, कलौंजी के बीज शामिल किए हैं, उसके फ़ायदे तेल में अच्छे से निकल जाते हैं। अगर आप बनाते ही यूज़ करेंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, एक और बात, जब तक आप टॉनिक यूज़ करेंगे, जब तक टॉनिक ख़त्म ना हो जाए, तो आपने इसमें जो शामिल मेहंदी के पत्ते और कलौंजी के बीज है वो नहीं निकालने, एंड तक इसमें मौजूद रहने चाहिए। ये टॉनिक आप 2 से 3 महीने के लिए बनाकर सेव कर सकते हैं। तैयार टॉनिक आपने बालों के जड़ों में लगाना है लाइटली, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से आपने जड़ों में लगाना है और फिंगर टिप्स की मदद से मसाज करना है और लगाने के बाद सो जाना है। सारी रात आपके बालों का ट्रीटमेंट इस टॉनिक पर छोड़ दें, बस रात में लगाना है और सुबह आपने वॉश आउट कर देना है किसी भी माइल्ड या ऑर्गेनिक शैम्पू से। अगर आप रात में नहीं लगा सकते तो 2 घंटे पहले लगाएं और 2 घंटे के बाद आप वॉश आउट कर दें, वो भी ठीक है। बाजार से मिलने वाले हेयर टॉनिक महंगे भी होते हैं, हमें अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन वो फेक भी होते हैं क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल खुशबू यूज़ की जाती है, फ्लेवर शामिल किए जाते हैं,
फायदा तो नहीं होता लेकिन नुकसान हमारे बालों को जरूर होता है। तो आपने क्या करना है, अपने घर पर ही मौजूद इन चीजों से अपना खुद का ऑर्गेनिक हेयर टॉनिक बनाना है और गिफ्ट भी करना है, खुद तो लगाना है दूसरों को भी फायदा देना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी महंगी चीज शामिल नहीं है जो कि आप अफोर्ड ना कर सकें। बहुत उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह निगेबान।